हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट आर्ट बाय सुजाता। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सांता क्लॉज़ के जो फेस है वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो देखा नहीं होंगे तो चैनल पे पड़ी हुई जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम कलर करने वाले एक सांता पूरा का पूरा सांता क्लॉज़ जो भी बाकी है, जो क्लॉथ वगैरह है एंड जो उनके हाथ में एक लंठन है, वो हम यहाँ पर कलर करने वाले इस पार्ट में। सो गाइस, सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्राउन एंड ब्लैक कलर से फोल्डेड एरियाज़ को दिखाने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पर मैं जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो है डोम्स के कलर पेंसिल, एंड मैं स्किन के लिए थोड़ा बहुत मोंटोमाटो के कलर पेंसिल का यूज़ की हूँ। अब में से गाइस बहुत सारे लोग डोम्स के कलर पेंसिल यूज़ कर चुके हैं, करते हैं, एंड जो लोग नहीं जानते हैं डोम्स के बारे में तो मैं बता देना चाहती हूँ, ये लोअर प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी देता है, बट इसमें इतना वैरायटीज नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ कलर वगैरह नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे जो डोम्स के कलर में टू सेट मिलता है रेड कलर के, जो मुझे यहाँ पर जिससे मेरा ये क्लॉथ नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर का यूज़ की हूँ। गाइज, जब भी आप लोग कलर पेंसिल से कलर कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहले आपको लाइटली शेडिंग करना है कोई भी हल्का कलर से, देन उसके ऊपर जो भी कलर चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ डार्क करके कुछ नहीं करना है। जहाँ पर देना है हाँ, नेक्स्ट लेयर पे आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर आप लोगों को लाइटली ही करना है। वीडियो के इस पार्ट को करने में मुझे करीबन 2 आवर से भी ज़्यादा वक्त लग गया है, क्योंकि ये कलर पेंसिल से हम कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मुझे स्पीड दिखाना है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पीड लग रहे हैं तो आप लोग सेटिंग में जाके वीडियो के जो स्पीड है उसको रिड्यूस करके देख सकते हैं। गाइज, आप लोगों को रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे कौन से कलर है, देन आपको ये जो भी कलर करना है आपको ध्यान में रखते हुए एंड धीरे कलर करना है, धीरे से, कोई हड़बड़ा के कुछ कलर मत करना। टाइम टेकन होता है लेकिन आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड जब भी आप लोग कलर पेंसिल से कलर करते हो तो पेंसिल को अगर आप लोग शार्प रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कलर हो पाते हैं। जैसे गाइस मैं पिछले पार्ट में बोल रहे थे, इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं। एक पार्ट में तो आप लोगों ने देखे होंगे फेस किस तरह से मैंने सेटिंग की हूँ, इस पार्ट में क्लॉथ वगैरह कर रही हूँ, जो पूरा का पूरा सांता क्लॉज इस पार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे किस तरह से मैं कलर की हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कलर करने वाले हैं बैकग्राउंड को, वो भी ऑयल पेस्टल से। गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैंड के जो क्लॉथ के जो हैंड है उनमें मैं थोड़ा सा इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ की हूँ, ताकि फार के जो एक एक हिस्सा है थोड़ा सा लाइन आप लोगों को रियलिस्टिक दिखाई दे। अगर आप में से किसी को इंडेंटिंग टेक्निक क्या है वो पता नहीं है तो मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी खाली रिफिल या फिर खाली यूज़ थ्रो पेन या फिर कुछ टूल से आप ऐसे ही पेपर के ऊपर ड्रॉ लाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आप जब कलर करते हो वो जगह ऐसे ही खाली पड़ जाता है, तो वो स्ट्रोक बहुत अच्छे तरह से हमें दिखाई देता है। ये यूजुअली हम लोग बियर्ड हेयर एंड कोई भी फर वगैरह के लिए करते हैं। गाइस, देख सकते हैं इस पार्ट में मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड एस कलर से फार एरियाज़ को कलर कर रही हूँ, एंड वो एक एक फार इंडिविजुअली दिखाने के लिए हमें स्ट्रोक को देना पड़ रहा है। जिस तरह से डिरेक्शन है उसी तरह से आपको रेफरेंस अनुसार ये काम करना है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग वेट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड गाइस, आप में से अगर कोई मेरे चैनल पर नए हो एंड इस वीडियो के सेकंड लास्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। एंड इस वीडियो के थर्ड पार्ट जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऑयल पेस्टल से मैं बैकग्राउंड को करने वाली हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
इस वाले हैंड के जो फर है, हैंड के एरियाज को देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क मैं कर रही हूँ एंड ऑरेंजिस कलर मैं दे रही हूँ, ताकि क्योंकि इनके सांता क्लॉज के हैंड पे एक लंठन है एंड उनके लाइट्स आ रही है, सो मुझे उस कलर के इफेक्ट देना पड़ रहा है यहाँ पर। आप लोग अगर इस फोटो को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल में सर्च करने से बहुत इजीली ये फ़ोटो मिल जाएंगे। ये फ़ोटो मैं स्क्रीनशॉट से ले चुकी हूँ, तो अगर हो सके तो इस फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। गाइज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज वीडियोज़ को पूरा का पूरा देखना है, ऐसे ही स्किप करके मत चला जाना, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारे चीज़ जो हम लोग बोलते हैं वो आप लोग को मिस कर जाएंगे एंड बहुत मेहनत से करते हैं हम लोग ये सब, सो प्लीज़ देख लेना। अब हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं लंठन का, लंठन का जो हैंडल है उसके लिए यहाँ पर मैं ब्राउन एंड ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड लंठन में ज़्यादातर मैं ब्राउन, ब्लैक, येलो, डार्क ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज का ही यूज़ की हूँ एंड थोड़ा बहुत एरियाज में मैं रेड कलर का भी यूज़ की हूँ। आप लोगों को गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग हाईलाइट एरियाज को करना है, आप लोगों को वाइट रखना है, वो आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कुछ कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप चाहे तो वाइट को थोड़ा बहुत दे के हाईलाइट एरियाज को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये पर मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है बैकग्राउंड की, उसके लिए आप लोगों को वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगता तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।